ट्रांजेक्शन डेट कब कब आपका आया है, पैसा कटा है। यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 24,388 रुपया। इम्प्लॉयर शेयर एंड इम्प्लॉय शेयर ये आपका मिलता है। अपलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पर डाउनलोड करोगे तो पैसा है 18,000 जो कंपनी से कटा है। और ये जो नीला वाला कंपनी दी है 5,712 रुपये। अब नॉमिनी में आपको देखे नॉमिनी डिटेल्स, मेरा अभी तक कोई नॉमिनी। यदि आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक करना चाहते हो तो इसी मोबाइल में, जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, इसी मोबाइल में आप अपना पीएफ का पूरा पैसा चेक कर पाओगे कि मेरे पीएफ में कितना पैसा है। साथ में आप ये भी चेक कर पाओगे कि मेरा जो पीएफ का बैलेंस कटता है वो कितना रुपए कटता है, जो सरकार देती है, जो आप कंपनी में काम करते हो या कहीं सरकारी एम्प्लॉई हो तो आपका जो पीएफ जो कटता है कटता है, लेकिन आपको जो कितना ऊपर से मिलता है वो भी चेक कर सकते हो। पेंशन के रूप में आपका कितना पैसा जमा हुआ है ये भी चेक कर सकते हो। आपके पीएफ के जो अकाउंट है उसमें आपकी नॉमिनी किसकी है ये भी कर सकते हो। आपका इसमें आपका पैन कार्ड लिंक है कि नहीं, सब कुछ डेट ऑफ जर्नी चेक कर सकते हो। आप पूरा पासबुक के माध्यम से आपका हर महीने पीएफ में कितना रुपए जमा हुआ है, कटा कितना है, सब कुछ चेक कर पाओगे। आप 22 का 23 का पिछला जितना भी रिकॉर्ड है आपके पीएफ बैलेंस में सब कुछ चेक कर पाओगे। आपके पीएफ में कोई पैसा उतारा है कि नहीं ये सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। और आप इसी मोबाइल में, जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो उसी मोबाइल में चेक कर लोगे। वीडियो पे पूरा रिक्वेस्ट इतना करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही इजी आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, जरा भी समय नहीं लूंगा। और अपने मोबाइल स्क्रीन पे चल के मैं आपको सब कुछ बताता हूं, सिखाता हूं कि आप अपना पीएफ का बैलेंस कैसे चेक कर पाओगे अपने ही मोबाइल फोन में। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, सब कुछ सीख लेते हैं, जान लेते हैं। देख सकते हैं अभी हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। आप भी अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और सर्च पे सर्च करिए ईपीएफओ, देख रहे हैं ना ईपीएफओ। बस सिंपली आपको ईपीएफओ सर्च करना है और आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा। ऐसा जब आ जाएगा इंटरफेस तो आप क्या करेंगे ना, एम्प्लॉय शेयर पहले वाले पे क्लिक नहीं करना है। पहले वाले पे क्लिक करेंगे भाई नहीं हो पाएगा, ठीक ना। आपको क्लिक करना है मेंबर पासबुक पे। देखिए ये वाला इंटरफेस आएगा तो फिर नहीं चेक कर पाओगे। ये मेंबर पासबुक पे क्लिक करो भाई। मेंबर पासबुक पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो यहां पे दे रहा है यूएनए और पासवर्ड। अब देखो यूएनए नंबर और पासवर्ड यदि नहीं पता है तो इसके ऊपर और एक वीडियो बताऊंगा, कमेंट करना, बनाऊंगा, ठीक। यदि आपको पता है तो यूएनए नंबर, अपना यूएनए नंबर और पासवर्ड भरो, फिलअप करो जैसे कि मैंने कर दिया। और आपको सिंपली से क्या करना है, आपको अपना कैप्चर यहां पे डाल देना है, ठीक। अब मैं अपना यहां पे कैप्चर जैसे जैसे है वैसे डाल लेता हूं और सिंग इन पे क्लिक कर दिया। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा आपका पैसा कितना है, पेंशन कितना है, सब कुछ वीडियो को पूरा देखो, ठीक। अब यहां मेंबर आईडी दिखा रही है आपको पैसा देखने के लिए ना, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पर देखिए आपका दिखा रहा है क्या, ये आपकी मेंबर आईडी है। आप जितनी कंपनी में काम किए होंगे उतनी आपकी मेंबर आईडी होगी। मैंने एक ही कंपनी में काम किया है तो मेरा यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 24,388 रुपया। अब ये 24,388 रुपया भाई हमारा पैसा कितना है और कंपनी कितना पैसा दी है ये तो आप भी जानेंगे। जानने के लिए आपको सिंपली देखिए यहाँ कोने पर दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ दिखा रहा है टोटल बैलेंस और ये दिख रहा है भैया आपका 24,388 रुपया। और ये देखिए यहाँ पर दिया रहे यहाँ पे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर शेयर दिखा रहा है आपको 18,676 रुपया। और यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर का मतलब होता है कि ये आपका पैसा है, ठीक। जो पिंक वाला कलर के दिखा रहा है ना, पिंक वाला जो पैसा है 18,000 ये आपका पैसा है। और जो कंपनी दी है ये है 5,722 रुपया जो कि एम्प्लॉयर शेयर है। एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पे भी ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए ग्राफ है ना, आप पिंक वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखा देगा ये आपका पैसा है 18,000 जो कंपनी से कटा है। और ये जो नीला वाला कंपनी दी है 5,712 रुपये। अब बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि भाई पेंशन क्या होता है, जल्दी से भाई पेंशन भी बता दो कि पेंशन कितना मिलता है। चिंता मत लो, वो भी बताऊंगा, नॉमिनी भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, जरा भी टेंशन नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये सारी चीजें आपने देख लिया, उसके बाद से आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। आप थ्री डॉट पे क्लिक करना है और पासबुक पे आ जाना है। पासबुक पे देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल है, पासबुक पे क्लिक करना है। और जब भी पासबुक पे क्लिक करेंगे ना आपका यहाँ पे ओवरव्यू पूरा दिख जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है आपका टोटल बैलेंस 24,388 रुपया दिखा रहा है टोटल बैलेंस, ठीक। और आपको ध्यान रखना है भाई, मैं शुरू में नहीं बता देता हूँ, आप अपना जब ये सब काम करेंगे ना तो यहाँ ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है, तभी जाके सही तरीके से वर्क करेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत ये करेगा, ठीक, लेग वो करेगा। तो मेरा भी अभी कर रहा है, अभी देखिए ठीक हो गया। अब मेरा दिखा रहा है टोटल बैलेंस इतना दिखा रहा है। एडजस्टमेंट यदि मैं किधर भेजा हूँ तो दिखाता है, एडजस्टमेंट जीरो है, नहीं किया हूँ। आपने पैसा उतारा है कभी, नहीं उतारा है ये भी देख सकते हो। आपके साथ कोई चोरी मोरी करेगा तो वो भी पता चल जाएगा, यहाँ पर सब कुछ खुल जाएगा जैसे आपका बैंक वाला पासबुक खुलता है। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन 18,500 ये दिखा रहा है। और ये जो मैंने एम्प्लॉयर शेयर दिखा रहा है आपका 5,000 जो मैं इसके बारे में बता दिया। इंटरेस्ट अर्निंग दिखा रहा है, अर्न आप इतना इंटरेस्ट 125 रुपये अर्न किए, ट्रांसफर कुछ नहीं किए हैं,
टोटल विड्रॉल भी कुछ नहीं किया, पैसा नहीं उतर है। ई भैया आ गए यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे आप 2022 का 23 का या इसके पिछला जो भी रिकॉर्ड का आपका पीएफ का कितना ग्राफ आया है गया है, कितना पैसा मिला है उस हिसाब से दिखा देगा। अब मैं 2022 में ज्वाइन किया तो मेरा इतना ग्राफ दिखा रहा है, अब 2023 में ज्वाइन करूँगा तो 2023 का ग्राफ आप देख सकते हैं, ये है आपका ठीक। यहाँ पर आपका सब कुछ डिटेल्स में आप देख सकते हैं। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क अभी ठीक नहीं चल रहा है, मैं एक बार रुकिए करके बताता हूँ। देखो भाई अब पूरा सही तरीके से काम करने लगा। देखो यहाँ पे मैं बता रहा था 22-23 का देख सकते हो, और यहाँ पे भाई आपका पैसा कितना कटा है, नहीं कटा है, सब कुछ देख सकते हो। यहाँ ट्रांजेक्शन डेट कब कब आपका आया है, पैसा कटा है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा एकदम ओवरव्यू देख सकते हैं कि आपका कितना रुपये कटा है। यहाँ पे ईपीएफ पेज देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी मिली है। उसके बाद ईपीएफ एस पेज में आपका 1200 रुपया 10,000 देख सकते हैं, पूरा लाइन दिखा रहा है ना हरा कलर का, ये आपका पैसा है और ये आपका एम्प्लॉई शेयर के रुपया मिला हुआ है ठीक ना। एम्प्लॉयर शेयर इन एम्प्लॉई शेयर ये आपका मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला मैं दिखा रहा हूँ 562 रुपया दिखा रहा है, पहला वाला बता रहा हूँ, ये आपका पैसा है और 172 रुपया आपके उस पर इंटरेस्ट रेट करके कंपनी दी है। अब बोलते हैं बहुत लोग भाई कि पेंशन में कैसे पता करूँ, देख लो भाई यहाँ पे पेंशन भी मैंने बता दिया, पेंशन शेयर है आपका, देखो यहाँ पे पेंशन पे 12,000 रुपया है, लेकिन ये अभी नहीं मिलेगा, आपके जो टर्म एंड कंडीशन होंगे 60 साल पे, किसी को 50 साल पे, पेंशन के रूप में पैसा मिलता है तो 12,000 उधर नहीं पाएगा, लेकिन ये 18,076 और 5,712 रुपये ये आपका मिल जाएगा जो 24,000 हुआ था। तो इसको यदि आप पासबुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पर डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे आप एकदम सिंपली से, आपको डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करोगे आपका पूरा पीएफ का पैसा जो है कि पूरा पासबुक डाउनलोड हो जाएगा। तो आप को मैं आपको बता रहा था कि भाई आप नॉमिनी कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके यहाँ नॉमिनी है कि नहीं ठीक ना, किस में यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपके अंदर कौन क्लेम कर सकता है और ये सारा चीज़ों कैसे पता कर पाएंगे ठीक ना। तो प्रोफाइल पर आप जब क्लिक करेंगे ना सिंपली तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखा देगा, आपका नाम सब कुछ मैं ब्लर कर रखा हूँ एज ए प्राइवेसी, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखे कि नहीं, यू एन ए नंबर दिखा देगा, ईमेल आई डी है कि नहीं ये भी दिखा देगा, और यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखो आपका केवाईसी डिटेल्स में आधार कार्ड है आपका, आधार कार्ड का नंबर क्या है, आपका नाम क्या, आपका पैन कार्ड लिंक है कि नहीं, बैंक अकाउंट या आईएफएससी कोड सब कुछ, और नॉमिनी में आपको देखो यहाँ नॉमिनी डिटेल्स, मेरा अभी तक कोई नॉमिनी डिटेल्स नहीं है, यदि आपका होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं सारा चीज़ें ब्लर किया हूँ क्योंकि भाई प्राइवेसी है कोई ठीक नहीं है, ये मेरी वीडियो कौन देख रहा है, हैकर देख रहा है या क्या, मैं तो आपकी भलाई के लिए आपकी जानकारी के लिए बनाया हूँ, लेकिन यही मेरे साथ धोखा हो सकता है यदि मैं इसको ब्लर ना करूँ, तो आप ये मत बोलिएगा कि ब्लर करके क्या दिखा रहे हो तुम ठीक। तो गाइस इस तरीके से आई होप आप वीडियो पे पूरा सब कुछ समझ गए होंगे। आपके यदि यूएनए नंबर नहीं पता है, पासवर्ड नहीं पता है, जो भी आपको पीएफ में प्रॉब्लम है फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दो, अगली वीडियो उस टॉपिक पे बन जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तभी तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा, तो चल कर लो भाई हां चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आई होप आपको वीडियो में जो भी बताया समझाया समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।